नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। दोस्तों, मैं SB पटेल एक बार फिर आपका अपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम ये बता दें कि आज हम ये लेक्चर लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने चल रहे हैं, जो कि हमारी सीरीज चल रही है माय डियर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर की, जो फर्स्ट सेमेस्टर सिविल और मैकेनिकल में पूछी जाती है एंड सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग थर्ड लेक्चर में जहां पर अपने टॉपिक को एंड किए थे, उसी के जस्ट आगे अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले माय डियर, हम अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सबसे पहले दोस्तों, हम ऑलरेडी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। हमने भी 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, हमने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक भी किया है और साथ में हमने एमटेक भी किया है। तो दोस्तों, और साथ में हम IERT प्रयागराज, जो इलाहाबाद में है, एशिया का नंबर 1 कॉलेज है, उस कॉलेज में कई वर्षों से एज ए लेक्चरर हम कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आइए दोस्तों, ये तो था मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, तो कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिस्कस करते हैं और साथ में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी पढ़ाते हैं। तो इसी कड़ी में हम दोस्तों अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसमें क्या टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस और सावधानियों वगैरह को हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी में हम लोग आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, मतलब हम पढ़ेंगे दोस्तों रेखाओं के प्रकार। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइन, मीन्स रेखाओं के प्रकार। कितने टाइप की रेखाएं होती हैं, जैसे थिन लाइन, थिक लाइन, मीडियम थिन लाइन, डैश लाइन, हैचिंग लाइन, सेंटर लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज का लेक्चर लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए माय डियर, हम ये देखते देखते हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू BIS, अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या अकॉर्डिंग टू ISI, भारतीय मानक के अनुसार हम कुछ रेखाओं को पढ़ने चल रहे हैं माय डियर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो रेखाओं की थिकनेस होती है, जो रेखाओं की थिकनेस मतलब मोटाई होती है, वो 0.3 mm से लेकर 1 mm, 1 mm तक होती है। 0.1 mm और 0.2 mm की भी रेखा होती है, वो बहुत पतली होती है। 0.1 mm, 1 mm एंड 0.2 mm की भी रेखा होती है, वो बहुत ही पतली रेखा होती है, थिन टाइप की रेखा होती है। तो हम जो ड्राइंग में यूज करते हैं माय डियर, वो 0.3 mm से 1 mm के बीच थिक लाइन को यूज करते हैं। तो उसी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो रेखाएं होती है माय डियर, एक रेखा हमारी होती है स्ट्रेट लाइन, एक होती है कर्व लाइन। अब उसी स्ट्रेट और कर्व को अकॉर्डिंग टू थिकनेस या अकॉर्डिंग टू नेचर हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने इन रेखाओं को आगे देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, देखिए, अगर हम इनको क्लासिफाई करेंगे तो ABCD इस तरीके से इनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। जैसे ए टाइप की हमारी रेखा, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप और एफ टाइप, इसकी कैटेगरी डाली गई है। और ये दोस्तों 2021-22 में एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? BTE
यूपी। हमने आपको बताया था कि जब हम दोस्तों ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो साथ में इस चीज को अभी डिस्कशन करते चलेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस ईयर में आए हैं। तो ये 2020-21 मतलब करंट ईयर में पिछले साल एक क्वेश्चन आया हुआ था कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं परिभाषित कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, अभी तो ये हमने एक डायग्राम लिया हुआ है, इसके जस्ट बाद जब माय डियर हमने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन को क्लासिफाई किया है, बस उन्हीं लाइन के बारे में आपको लिख देना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको कुछ डायग्राम के भी थ्रू दिखाएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट भी हम लाए हुए हैं उससे भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी लाइनें किसे कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें ए टाइप की रेखा, इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, सतत मोटी रेखा, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, सतत मोटी रेखा। और इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों, ये विजिबल आउटलाइन बनाने के लिए की जाती है। जैसा कि एक हम ऑब्जेक्ट लाए हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा माय डियर। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दें कि जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो सबसे ज्यादा मार्क्स हमें गेन कराते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम इनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट की संख्या बहुत सारी है, एक ही ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास इस तरीके का देखिए आप ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे हमारे 20 मार्क्स क्वेश्चन में जो आएंगे। अब एक क्वेश्चन हमारा इससे भी आता है जो कि हर साल लगभग चांस रहता है माय डियर, ये सारे क्वेश्चन देखिए इस तरीके से पूछता है। और इतने ही ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी और भी ऑब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएंगे, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा होता है, इस पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से देखने पे कैसा बनता है। और साथ में दोस्तों और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग ये जो हमारे पास डायग्राम आप देख रहे हैं इससे भी डिस्कस करेंगे कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हम पूरा घुमा घुमा कर आपको दिखाएंगे कि फ्रंट से, टॉप से और साइड से देखने में कैसा लगता है। और इस तरीके से एक क्वेश्चन ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे 3D में कि इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू क्या होता है। तो ये आगे हम लोग बहुत शानदार तरीके से माय डियर फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप भी समझ गए होंगे कि बहुत ही मजा आने वाला है ड्राइंग को पढ़कर, या ड्राइंग को हम लोग प्रैक्टिकली फील करने वाले हैं। जैसा कि हम ऑनलाइन क्लास में हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम ड्राइंग में प्रैक्टिकली कैसे सर से कनेक्ट हो पाएंगे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस चीज को देख कर माय डियर कि प्रैक्टिकली हम आपको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन है डियर इस तरीके से, और भी क्वेश्चन हैं, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिकली फील कराएंगे और सॉल्व भी कराएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें से एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं। सपोज करिए माय डियर हम एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कुछ ऐसा, चलिए ऐसा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे कि जो पहली लाइन हमने पढ़ी है कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन, ये क्या होते हैं माय डियर, एक विजिबल आउटलाइन होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये जो बाहरी लाइन माय डियर, ये जो बाहरी लाइन इस तरीके से हम बना रहे हैं, ये बाहरी लाइन जो बना रहे हैं ये हमारी आउटलाइन होती है और ये विजिबल होती है, तो इसको हम बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन से। और कॉन्टिन्यूअस पहले थिक लाइन क्या होती है और थिन लाइन क्या होती है ये बता देते हैं। तो जो पतली रेखा होती है वो 0.5 mm या उससे लेस होती है, और 0.5 mm से ऊपर 1 mm तक ये हमारी क्या होती है, थिक लाइन होती है। थिक लाइन मतलब मोटी रेखा होती है। तो पतली रेखा हमारी क्या होती है, जैसे 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, ये हमारी पतली रेखा की कैटेगरी में आएगी। 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, 0.8 mm, 10 mm, सॉरी 1 mm, ये हमारी मोटी रेखा की कैटेगरी में आएगी। तो इसमें जो हम लोग आउटसाइड लाइन ड्रा करते हैं वो ए टाइप की कैटेगरी में रखा गया है, ए टाइप की कैटेगरी में रखा गया है, और उसे हम लोग विजिबल आउटलाइन कहते हैं, दृश्य बाह्य रेखाएं कहते हैं। अब आइए दोस्तों
बी टाइप लाइन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बी टाइप लाइन हमारी क्या होती है। तो देखिए, बी टाइप जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, मतलब माय डियर 0.3 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.1 mm, ये सारी हमारी क्या होती हैं, थिन लाइन होती हैं। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है माय डियर, एक साथ लगातार ये जो रेखा बने, ये जो हम बना रहे हैं एक साथ लगातार रेखा बने, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। अब इसको हम कहाँ बनाएंगे, तो जब हम 3D डायग्राम पढ़ाएंगे माय डियर, तो ये सब जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ इंटरनल पार्ट कटे हुए हैं, कुछ इनके इन सारे पार्ट्स को अगर हमें शो करना होगा इस तरीके से, आप देखिए तो ये जो आपको साइड से ऐसे देखिए, तो कुछ ऐसे लाइन हमें ड्रॉ करना होगा, कुछ इस तरीके की लाइन को ड्रॉ करना होगा, तो वो सारी लाइन हमारी कहाँ पे आएंगी, कॉन्टिन्यूस थिन यानी कि पतली रेखाओं को, पतली रेखाओं से खींचने में। अब साथ में माय डियर, अब देखिए जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, सामने से आपको होल दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप साइड से देखेंगे तो होल नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, लेकिन ये जो होल है साइड से आप देखेंगे तो इसके यहां से लेके यहां तक होल गया हुआ है। तो हम अगर इधर साइड से देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे या डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इससे हमें पता चलेगा माय डियर कि इसके अंदर इतने साइज का, इतने विड्थ का एक होल गया हुआ है, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं डॉटेड लाइन, जो किसी भी पार्ट के अंदर स्लॉट या कट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि इसमें होल है और इधर से हमने लाइन ड्रॉ कर दी तो वो हमें उस पर दिखाई देने, समझ में आ जाएगा। तो इसका हम यूज कहां पे करते हैं माय फ्रेंड, इसका यूज करते हैं हम लोग इमेजिनरी मतलब हम लोग करते हैं जैसे कोई हम काल्पनिक रेखा ड्रॉ करने के लिए करते हैं डायमेंशन लाइन। अब जैसे माय डियर इसको हमने बनाया, अब इसकी बीमा रेखा हमें खींचनी है कि किसका, इसका डायमीटर, इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसका डायमीटर कितना है, तो ये सारी चीजों को जैसे एक डायग्राम अगर यहाँ पे हमने बनाया इस तरीके से, एक सपोज करिए कि ये डायग्राम हमने बना दिया, अब इस पे हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन अगर इसकी डायमेंशनिंग करनी है तो यहां से लेके यहां तक एक लाइन ये हमने खींची माय डियर, तो ये हमारी लाइन कहलाएगी विमा रेखा या डायमेंशन लाइन, जिसे हम किससे करेंगे, कॉन्टिन्यूस स्ट्रेट लाइन या थिन लाइन से करेंगे, पतली रेखा से करेंगे। अब डायमेंशनिंग में हमेशा हम जो सही मेथड होता है, इसके ऊपर अगर ये 3 mm इसकी लेंथ है, 4 mm है, तो इस तरीके से करते हैं, और हम आगे बताएंगे जब डायमेंशनिंग का लेक्चर स्टार्ट करेंगे माय डियर, तो वहां ये बताएंगे कि डायमेंशन लाइन और मेन लाइन के बीच में गैप कितना रखा जाता है, एरो किस अनुपात में और किस साइड बनाई जाती है, ये सारी चीजों को हम जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस थिन लाइन का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, काल्पनिक रेखा बनाने में, काल्पनिक रेखा बनाने में, डायमेंशन लाइन यानी कि ये जो किसी चीज की दूरी को दिखाने के लिए, कॉमा प्रोजेक्शन लाइन मतलब जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेपी रेखा माय डियर, जैसे अब ये ऑब्जेक्ट हमारा है, इस ऑब्जेक्ट पे माय डियर हम क्या करेंगे, सपोज करिए कि सामने से टॉर्च मारेंगे तो ये जितना पार्ट आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये क्या करेगी, रोशनी ढकती हुई एक प्रक्षेप यहाँ पे आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा, एक प्रोजेक्शन आ जाएगा, उस प्रोजेक्शन को अगर हम यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी प्रोजेक्शन लाइन या प्रक्षेपी रेखा। उस प्रक्षेपी रेखा माय डियर, उस प्रक्षेपी रेखा को हम लोग ड्रॉ करने के लिए, हम लोग ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन का यूज करते हैं। तो ये हो गया, कॉमा लीडर लाइन मतलब जो लाइन लीड करती है, मतलब कि अगर इसे हम बढ़ा रहे हैं तो आगे अगर हम एक डायग्राम और कनेक्ट करना चाहेंगे आगे, वहां पे हम लोग अभी डायग्राम के थ्रू समझा देंगे कि लीडर लाइन क्या होती है। कॉमा हैचिंग लाइन, अब जैसे माय डियर क्या है कि ये इस पार्ट को अगर हमें दो पार्ट में ऐसे कट, मान लीजिए सपोज करिए ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं इसको हम यहाँ से कट करके अलग कर दें, अगर सपोज करिए तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और या ऐसी एक रॉड ली और यहां से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब ये हमें कैसे पता चलेगा माय डियर कि ये दोनों रॉड एक ही साथ कनेक्ट थी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से हैचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों में, और इन हैचिंग लाइन के ये समांतर होती हैं दोस्तों,
एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और लगभग 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन यानी कि झुकी होती हैं। कैसे होती हैं? 45 डिग्री एंगल पर झुकी होती हैं। और इनका जो एंगल है माय डियर, ये एक्चुअल में 45 रखा जाता है, सबसे सुविधाजनक 45 होता है, लेकिन ये जो वैरी करता है वो 30 से 60 डिग्री के बीच में वैरी करता है, बट सबसे उपयुक्त 45 डिग्री का कोण होता है। तो किसी पार्ट को कटा हुआ दिखाने के लिए या किसी, जैसे अब हमें कैसे पता है दोस्तों कि ये रॉड ठोस है, जब अगर हम ये सेक्शनिंग नहीं करेंगे, सॉरी हैचिंग लाइन नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि ये रॉड ठोस है या सॉलिड है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने सेक्शनिंग कर दिया, हैचिंग लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब हमें पता चलने लगा माय डियर कि ये रॉड एक सॉलिड बार है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ठोस दिखाने के लिए या किसी पार्ट को दो भागों में कटा हुआ दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हैचिंग लाइन का यूज करते हैं। और वो हैचिंग लाइन किससे बनाएंगे? कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन या लगातार पतली रेखा से बनाते हैं, जिसकी मोटाई 0.3 mm से 0.5 mm तक हम लोग रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। इन दोनों के बीच का गैप भी रखा जाता है माय डियर, 1 mm से 3 mm या 1 mm से 2 mm के बीच। प्रत्येक हैचिंग लाइन के बीच का जो गैप होता है, 1 mm, ये होता है 1 mm, 2, 3 mm या 2 mm, 1 mm से 2 mm या 3 mm तक का गैप। वैसे ज्यादातर 1 mm से 2 mm गैप रखते हैं। तो ये हो गया माय डियर। अब बात करते हैं आउटलाइन रिवॉल्विंग स्ट्रेट लाइन एंड शॉर्ट सेंटर लाइन, इसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन से। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, जो फ्री हैंड हम लोग मुक्त हस्त माय डियर इस तरीके से लगातार कोई भी एक लाइन ऐसे हमने उठाई, ये फ्री हैंड इस तरीके से एक रेखा खींच दिया। तो ये रेखा हमारी क्या होती है? ये रेखा हमारी क्या होती है? जैसे लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड, मतलब कटे हुए सेक्शन को दिखाने के लिए, कॉमन लिमिट ऑफ नॉट चेन, मतलब लगातार नहीं जा रहे, कहीं से कोई पार्ट कट गया है, अलग हो गया है, उसके लिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन जो हमारी है कैसी होती है? वो जिग जैग होती है। अभी इसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे डैश लाइन क्या होती है माय डियर। डैश लाइन, अब जितने भी पार्ट हमारे कटे होते, जैसे कि ये डायग्राम है, आप देखिए इसमें जितने भी ये स्लॉट आपको देखिए कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इस तरीके से देखिए, ये जितने भी स्लॉट आपके ये जो कटे हुए हैं, ये जो स्लॉट कटे हुए हैं, जब आप इधर से देखेंगे तो आप देखिए आपको कोई भी स्लॉट कटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक दिखाई दे रहा, बट आप सामने से देखेंगे तो कितने स्लॉट कटे हुए हैं। तो इसको जब इस साइड से बनाएंगे माय डियर, तो जहां पे स्लॉट कटे वहां पे एक डॉटेड लाइन, ये सारी डॉटेड लाइन हमें रिप्रेजेंट करेंगी कि इसके अंदर कोई स्लॉट कटा हुआ है। तो उन डॉटेड लाइन को बनाने का जो तरीका होता है, इसे हम ई टाइप की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर। और इनका जो मेथड होता है, ये इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, इनके बीच हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से, और छोटी बना लेते हैं। अब इनके बीच का जो गैप होता है माय डियर, दो रेखाओं के बीच ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है, ये ऑलवेज 1 mm का गैप रखते हैं, 1 mm का गैप रखते हैं हमेशा। कोई भी हम लोग माय डियर हिडन लाइन खींचना चाहें या डॉटेड लाइन खींचना चाहें, और ये जो रेखाएं होती हैं, माय डियर, ये कितनी होती है? 2 mm से लेकर 3 mm, मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों कि 2 mm की रेखा खींचेंगे, 1 mm का गैप, फिर 2 mm की रेखा, 1 mm का गैप, फिर 2 mm की रेखा, 1 mm का गैप, इस तरीके से बनाएंगे, या 3 mm की रेखा, 1 mm का गैप, फिर 3 mm की रेखा, 1 mm का गैप, फिर 3 mm की रेखा, 1 mm का गैप, इस तरीके से बनाएंगे। इस रेखा को हम लोग कहते हैं हिडन लाइन या अदृश्य रेखा। अगर इसकी मोटाई 0.8 mm से लेकर
1 mm हो तो ये हमारी कहलाएगी डैश लाइन, जिसे हम लोग हिडन आउटलाइन के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें जो हमारे ये स्लॉट कटे हैं, अगर बाहर इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हमारी इस रेखा के थ्रू दर्शाई जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जी टाइप की रेखा। ये चेन लाइन होती है, चेन थिन लाइन होती है, जिसे सेंटर लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री या ट्रांजेक्टरी लाइन के रूप में हम लोग दिखाते हैं। पहले समझते हैं कि चेन थिन लाइन क्या होती है या सेंटर लाइन क्या होती है। जैसे दोस्तों आप सपोज करिए कि इस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना है, तो अब हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट में इसको भी हमें ऐड करना था, या इस ऑब्जेक्ट में इसको भी हमें इस तरीके से ऐड करना था, कुछ भी आप समझ सकते हैं, ऐसे ऐड करना था। तो अब कहां से ऐड करेंगे, कितना ऊपर करेंगे, कितना नीचे करेंगे, तो हमें क्या करना होता है कि प्रॉपर जैसे इसका टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हम एक केंद्र रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से एक हम लोग केंद्र रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं सेंटर लाइन। ये वर्टिकल भी हो सकती है माय डियर, और हॉरिजॉन्टल भी इस तरीके से हो सकती है। हमने ऊपर इसलिए बना दिया क्योंकि बीच में यहाँ पे व्हाइट कलर में हमारा डायग्राम बना हुआ है। इसको बनाने का मेथड क्या होता है माय डियर, इसको बनाने का मेथड होता है जैसे यहां से लेकर यहां तक ये जो रेखा है इसकी लंबाई 15 mm से 35 mm रखते हैं। जितनी भी बड़ी रेखा जाएगी वो 15 mm से 35 mm होगा, और उसके बाद जितनी छोटी रेखा जाएगी माय डियर वो 2 mm से 3 mm होगा, और जितना भी गैप रहेगा माय डियर हमेशा 1 mm रहेगा। अब ये आप हर बार अगर नाप कर या मेजर करके बनाएंगे तो आपका बहुत टाइम खराब होगा। जब ये कई बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये हमारी प्रैक्टिस पे ही ऑटोमेटिक सारी चीजें बनती चली जाती हैं। थोड़ा बहुत माइनर एरर आता है तो वो एग्जामिनर भी समझ जाता है, बट आपकी प्रॉपर इस प्रपोर्शन मतलब रेशियो या अनुपात में होनी चाहिए। तो इस रेखा को हम कहते हैं माय डियर सेंटर लाइन या केंद्र रेखा, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्टों में डिवाइड करने के लिए या केंद्रित करने के लिए हम लोग बनाते हैं। ये क्षैतिज भी हो सकती है या ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों हो सकती है। अब इसमें देखिए सेम यही चीज यहां पर भी लगेगा, बड़ी लाइन 15 से 35 mm, बीच का गैप 1 mm, छोटी लाइन 2 से 3 mm के बीच में कुछ भी रख लेंगे, बड़ी लाइन 15 mm से 30 mm, 35 mm के बीच में कुछ भी रखेंगे। अगर इसको हमने 30 mm रखा है तो ये भी 30 mm, ये भी 30 mm, ये भी 30 mm। अगर हमने इसको 20 mm रखा है तो ये 20, ये 20, ये 20, बीच का गैप हमेशा 1-1 mm रखेंगे, और छोटी लाइन 2-2 mm या 3-3 mm की रखेंगे। तो इसे दोस्तों बोलते हैं हम केंद्र रेखा। नेक्स्ट बात करते हैं एच टाइप लाइन। ये जो आप इस तरीके से देख रहे हैं ये होती है चेन थिन या थिक एंड लाइंस, जिनका यूज करते हैं हम लोग कोई भी कटिंग प्लेन शो करने के लिए। जब हम लोग प्लेन को कट करेंगे तो वहां पर हम लोग इसका डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चेन थिक लाइन। जैसे चेन थिन लाइन होती है उसी तरीके से चेन थिक लाइन होती है, दोनों का मेथड वही होता है माय डियर। जैसे हम लोग डॉटर लाइन अभी ड्रॉ कर रहे थे, 1 mm गैप, 2 से 3 mm रेखा, फिर 1 mm गैप, ये इस तरीके से बनाई जाती है। एक रेखा 1 mm गैप, एक रेखा 1 mm गैप, रेखा 1 mm गैप, रेखा 1 mm गैप, ऐसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर, देखिए ये कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए डायग्राम जो आपके पास दिखाई दे रहे हैं ये कुछ इसी तरीके के, इसमें से जितने भी डायग्राम मैंने दिखाए यही सब डायग्राम है, बस इनका थोड़ा सा फिगर अलग है। हम इसके माध्यम से भी समझाएंगे, और जो क्वेश्चन हमारे पास आया है उसके माध्यम से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको समझाएंगे। एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ माय डियर, इस पे देखिए जितनी भी रेखाएं दिख रही हैं ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी विजिबल लाइन मतलब दृश्य रेखा है। अब इन दृश्य रेखा पे अगर हम इस तरीके से कर दें
तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शनिंग। सेक्शनिंग करना मतलब दो पार्ट में कटा हुआ दिखाना या पार्ट को ठोस दिखाना। ये करता है किसी भी पार्ट को ठोस दिखाने के लिए, किसी भी पार्ट को ठोस दिखाने के लिए या किसी पार्ट को दो भागों में अलग कटा हुआ दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह है सेंटर लाइन। देखिए बीच पर से एक लाइन हमने इसको डिवाइड कर रखा है और डिवाइड करने का मेथड हमने आपको बताया है कि 15 से 35 एमएम लॉन्ग रेखा होगी, 1 एमएम का गैप और 2 से 3 एमएम छोटी शॉर्ट लेंथ होगी। ये इस तरीके की हमारी ये यहाँ से ये ब्रेक लाइंस हो गई है, मतलब इसके आगे हमारी लाइंस क्या है, इंटरप्टेड है। ड्राइंग हम लोग यहाँ से यहाँ तक बना रहे फिर आगे नेक्स्ट बना रहे हैं। कॉमा डायमेंशनिंग लाइन हमारी क्या होते हैं माय डियर? अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ था, ये एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ था, इस ऑब्जेक्ट में टोटल लेंथ हमें दिखाना था, तो पहले इनके बीच में हमने मिनिमम गैप रखा। गैप वैसे आपको बता दें 5 mm से 10 mm तक का गैप एक सुटेबल गैप होता है। कभी कभी 5 mm से कम गैप भी रखते हैं, कभी कभी 10 mm से ज्यादा भी रखते हैं, लेकिन एक एवरेज सुटेबल गैप जो डायमेंशन लाइन और मेन लाइन के बीच में रखे हैं इतना ही रखते हैं। अब ये जो लाइन हमने खींची माय फ्रेंड, ये देखिए इस तरीके से ये जो लाइन हमारी बनी इसी को बोलते हैं डायमेंशन लाइन या बीमा रेखा। जैसे यहाँ पे 300 लिखा है, अब ये एमएम में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। लीडर लाइन देखिए, जैसे इस सर्किल को दिखाने के लिए एक लाइन ये ड्रॉ किया फिर यहाँ इसकी मेजरमेंट रख दी, तो ये जो लाइन होती है ये हमारी कहलाती है लीडर लाइन, जो लीड कर रही है। तो नेक्स्ट, अब इसी तरीके से फैंटम लाइन एक हमारी डिवाइस होती है जिससे हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। कॉमा अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि इसमें से क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है कि ड्राइंग में रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं उसको समझाइए। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग में हेडिंग उत्तर लिखेंगे, ड्राइंग में निम्न प्रकार की रेखाएं होती हैं या निम्न लिखित प्रकार की रेखाएं होती हैं, और उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे समझाना शुरू करेंगे। सबसे पहले माय डियर पॉइंट वन हम देंगे। देखिए जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट लाइन, कोई भी वस्तु रेखाएं हम लोग खींचते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पर हम लोग एक रेखा जो ड्रॉ करते हैं। अभी जैसे अगर इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम की बात करें तो इस पे ये जो जितने भी मेन लाइन हमें दिखाई दे रही हैं इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये सारी, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सारी हमारी क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट लाइन हो जाएंगी। आप चारों तरफ से देखिए कहीं से भी, और आप इसको यहीं पर नहीं देखेंगे, जब ये हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चलेगा तो सेम यही सारे क्वेश्चन हम लोग वहां पे सॉल्व कराएंगे, और तब वो क्वेश्चन ऐसे तिरछे में रखा रहेगा, वो 3D में ऐसा रखा रहता है, तब उसको हम लोग 2D में ऐसा बना के दिखाएंगे, ऐसा बना के दिखाएंगे, टॉप व्यू ऐसा दिखाएंगे, साइड व्यू ऐसा दिखाएंगे, तो आपको प्रॉपर तरीके से फील आएगा माय डियर कि ये ड्राइंग में कैसे बन रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसी चीज की दिक्कत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वस्तु रेखाएं या ऑब्जेक्ट लाइन। देखिए वस्तु रेखाओं को मोटी तथा सतत बनाया जाता है, इनका उपयोग सीमा रेखाओं को खींचने में तथा वस्तु के दृश्य कोर यानी कि विजिबल एज को खींचने में किया जाता है। सबसे पहले तो ये कैसी होती है, ठीक यानी कि 0.8 mm से 1 mm के बीच में होती है, और इसका उपयोग क्या होता है कि ये जो लगातार ये आउटलाइंस जितनी रेखाएं होती हैं उनको खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर पतली रेखाएं या जिसे बोलते हैं थिन लाइन। अब थिन लाइन हमने आपको बताया है कि 0.1 mm, 0.2 mm, वैसे 0.2 नहीं होता है, 0.3 होता है, और 0.5 mm, ये हमारी थिन लाइन या पतली रेखाएं होती हैं। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है माय डियर, तो ये रेखाएं हल्की होती हैं, मतलब इसे हम लोग 1H, 2H या 3H पेंसिल से बनाते हैं। इनका उपयोग बीमा रेखाएं यानी कि डायमेंशन लाइन, जैसे कि हमने इसको बनाया, अब इसकी कितनी हाइट है, इसकी हाइट को मेजर करने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बीमा रेखा क्या होती है, उसको हम लोग
ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। कॉमा प्रसार रेखा मतलब एक्सपेंशन लाइन, इसको हमें और लाइन को बढ़ाना है, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करना है तो वहां प्रसार रेखा का यूज करेंगे। कॉमा काटे गए भाग की हैचिंग लाइन, जो अभी हमने कहा कि जैसे यहाँ से कोई स्लॉट काट दिया या इसको हमें सॉलिड दिखाना है तो हम हैचिंग लाइन का उपयोग करेंगे, तो उन हैचिंग लाइन को बनाने में कॉमा प्रक्षेप रेखाओं यानी कि प्रोजेक्शन लाइन बनाने में किया जाता है। तो ये हमारी हो गई पतली रेखाओं की डेफिनेशन। जब आपसे बीटीई यूपी एग्जाम में पूछा जाएगा तब आप इस तरीके से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे तो आपकी अच्छी मार्किंग की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर, प्रमुख दृश्य और वस्तु रेखाएं जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल विजिबल और ऑब्जेक्ट लाइन। प्रिंसिपल रेखा मतलब क्या होती है, मुख्य लाइन। विजिबल रेखा मतलब जो हमें दिखाई दे, और वस्तु रेखा मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसकी हमारी लाइन जो बन रही है। तो इसमें क्या होगा माय डियर, प्रमुख दृश्य और वस्तु रेखाओं में विशेष स्थान रखती हैं, ये रेखाएं वस्तु का आकार एवं बाह्य रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। अब इसे हमें बनाना है। अब सबसे पहले हम सपोज करिए जैसे ये डायग्राम दिख रहा है, तो हमने क्या किया, यहां से इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया जो हमें ऐसा दिखाई दे रहा था, या और भी जैसा हमें दिखाई दे रहा था वैसा हमने बना लिया। तो इस तरीके का जो डायग्राम आप देख रहे हैं माय डियर, ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये जो लाइन हमने बनाई यही हमारी क्या होती है, मुख्य लाइन होती है माय डियर। इसी को हम लोग प्रिंसिपल रेखा या विजिबल रेखा या दृश्य रेखाएं कहते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक स्लॉट कटा हुआ है, ये देखिए ये स्लॉट कटा हुआ है बट यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हमने इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से बनाया है तो अगर हम यहाँ पे कुछ डॉट काट दें या इस तरीके से कोई हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई स्लॉट कटा हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई स्लॉट कटा हुआ है जो कि ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं लाइंस को हम लोग बोलते हैं डॉटेड लाइन, या इसी को हम लोग बोलते हैं अदृश्य रेखा, इनविजिबल लाइन। चलिए आगे बात करते हैं, बाह्य रेखाएं तो हमने बना लिया, ये सारी रेखाएं क्या होती हैं, बाह्य रेखाएं होती हैं। इसे ए टाइप की रेखा में कैटेगरी में रखा गया है। ये रेखाएं मोटी तथा लगातार रूप में बनाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं, थिक होती हैं, थिक मतलब मोटी होती हैं, मोटी मतलब 0.8 mm से 1 mm के बीच या 0.7 mm से 1 mm के बीच में इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर, रचना रेखा कॉमा प्रक्षेपी रेखा, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड प्रोजेक्शन लाइन। अब जैसे इस डायग्राम को हम बना रहे हैं तो इसका अगर हमें प्रक्षेप लेना होगा, प्रोजेक्शन लेना होगा, तो हम सपोज करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से कि यहाँ से एक टॉर्च को रखते हैं, उस टॉर्च का प्रोजेक्शन यहाँ पर जहाँ जाएगा तो उस पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसी लाइन को हम लोग प्रक्षेपी लाइन या प्रोजेक्शन लाइन या प्रक्षेपी रेखा कहते हैं। इसका हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, सॉलिड प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ गए कि वो प्रक्षेपी रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रक्षेपी रेखा हो गई। ये रेखाएं हल्की होती हैं, मतलब 1H, 2H या 3H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम 2H और 3H पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। 1H पेंसिल का यूज हम लोग ज्यादातर मेन लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करने के लिए करते हैं। कॉमा ये लगातार होती हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, लगातार खींची जाने वाली रेखा होती है। इन्हें बी प्रकार की रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये बी प्रकार की होती है, तथा प्रक्षेपी रेखाएं एक दृश्य दूसरे दृश्य में खींचने के काम आती हैं। ये रेखाएं एक दूसरी रेखा के समांतर होती हैं। ये रेखाएं मोटी रेखा की 1/3 गुना होती है। अगर सपोज करिए कि मोटी रेखा सपोज करिए 10 mm की है, तो ये जो हम बात करेंगे प्रोजेक्शन लाइन माय डियर, जो प्रोजेक्शन ले जा रहे हैं वो हम क्या करेंगे 10/3 mm, लगभग 3.33 mm की रखेंगे, मतलब इसे हम अप्रॉक्स 4 mm की खींचेंगे। तो ये हमारी होती है प्रोजेक्शन लाइन या प्रक्षेपी रेखा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। छोटी मध्यम रेखा तथा खंडित रेखा जिसे बोलते हैं शॉर्ट मीडियम लाइंस एंड डॉटेड लाइंस। अभी हमने आपको बताया माय डियर किस तरीके की रेखा अगर हम लोग खींचेंगे तो ये हमारी होती है डॉटेड लाइंस, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉटेड लाइंस। चलिए और अच्छे से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके की रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, डॉटेड लाइन। अब इस डॉटेड लाइन का मेथड हमने क्या बताया था डियर, ये जो रेखा है इस रेखा की लंबाई 2 mm से 3 mm के बीच रखेंगे और कोई भी जो गैप हम बना रहे हैं ये गैप हमेशा हम लोग कितना रखेंगे 1 mm रखेंगे। इसी को बोलते हैं डॉटेड लाइन, जो हमारी क्या होती है खंडित रेखा, मतलब विभाजित की गई है। इसी को हम लोग शॉर्ट मीडियम साइज में बनाते हैं। इन रेखाओं को अदृश्य रेखा या खंडित रेखा भी कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में जो है माय डियर यहाँ स्लॉट कटा है, लेकिन इधर से हम देखेंगे तो ये स्लॉट नहीं दिखाई देगा। तो हम इसके लिए एक क्या करेंगे डॉटेड लाइन खींचेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे आपको खींच के दिखाया था। ये जो लाइन हमारी है ये डॉटेड लाइन। चलिए तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। इन्हें अदृश्य रेखा या खंडित रेखा भी कहते हैं, कॉमा इन्हें बिंदुकित रेखाओं के रूप में बनाया जाता है, जैसा कि ये हमने अभी बनाया। कॉमा इन रेखाओं की मोटाई पतली रेखा की 1.5 गुना तथा मोटी रेखा की 0.5 गुना होती है। आप ये गुना अगर नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, थिकनेस क्या है कि ये थिन टाइप की होती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जो हमारी पतली रेखा जैसे 0.3 mm है तो 0.3 में अगर हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 mm इंटू 1.5 तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 mm, जिसे हम अप्रोक्स 5 mm रख देते हैं, जो कि नॉर्मल पेंसिल के लीड की थिकनेस होती है। ये हो गया कॉमा। आगे बात करते हैं, इन्हें लगातार 3-3 mm कि डैश द्वारा बनाया जाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया। ये हो गया आपका कॉमा। इनके बीच में गैप कितना रखा जाता है 1 mm का, इसे डी प्रकार की रेखा भी कहते हैं। तो ये हो गया माय डियर हमारा छोटी शॉर्ट ब्रेक्स लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र रेखा, अक्ष रेखा तथा बिंदुपथ रेखा। अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि सेंटर लाइन क्या होती है। एक लाइन जो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए जो हम रेखा खींचते हैं उसी को बोलते हैं सेंटर लाइन या केंद्र रेखा। इसकी दूरी होती है 15 से 35 mm, गैप होता है 1 mm 1 mm कॉमा ये रेखा जो होती है 2 से 3 mm। तो 2 से 3 mm की छोटी रेखा, 1 mm का गैप एंड 15 से 35 mm की कोई भी डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, इसी टोटल रेखा को बोलते हैं केंद्र रेखा, अक्ष रेखा, बिंदुपथ रेखा, जिसे हम देख रहे हैं। देखिए ये रेखाएं ई प्रकार की रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, ये पतली लंबी तथा छोटी रेखाओं के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं। कॉमा कुछ बुक में माय डियर ये 20 से 30 mm भी दिया है, और स्टैंडर्ड अगर आप याद रखेंगे तो 15 से 35 mm होता है। तो ये हमारी होगी। अब ये रेखा हमारी कितनी होती है 2 से 3 mm, कॉमा गैप कितना रखा जाता है 1 mm रखा जाता है, और जब कोई दृश्य लाइन बनाई जाती है तो इसे सबसे पहले केंद्र रेखा खींचते हैं। जब भी हम लोग ड्राइंग बनाएंगे माय डियर तो सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम अपने ड्राइंग को बनाना शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन और इरेगुलर बॉटम लाइंस। ये हमारी क्या होती है माय डियर, छोटी छोटी रेखाएं होती हैं जो बीच बीच में कट करके जाती हैं, जिसे हम डॉटेड लाइन की तरह ही समझते हैं। इन्हें सी प्रकार की रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कॉमा ये रेखाएं वस्तु के आरेखन पर टूटे हुए छोटे भाग को मुक्त हस्त तथा लहर के रूप में, मतलब इस तरीके से हम लोग
दिखाते हैं। कोई भी पार्ट जैसे यहाँ से हम लोग बना रहे हैं, इससे कोई भी पार्ट अगर कटा हुआ है या टूटा हुआ है तो उसे ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक लहरदार रेखा मतलब वेव टाइप लाइन बनाते हैं और टूटे हुए या कटे हुए प्लेन को दिखाने के लिए। इनके द्वारा वस्तु की असीमित सीमा भी प्रदर्शित करते हैं। इन रेखाओं की मोटाई 0.3 mm होती है, मतलब ये रेखाएं कैसी होती हैं, पतली रेखा द्वारा इसे बनाया जाता है। कॉमा नेक्स्ट बात करेंगे अतिरिक्त उपचार के तल मतलब प्लेन फॉर एडिशनल ट्रीटमेंट। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं माय डियर, तो जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे एक एडिशनल प्लेन ले लेंगे जिसमें हमें कुछ और ट्रीटमेंट करना है, जैसे कोई साइज एक्स्ट्रा हमें दिखाना है, कुछ असेंबली बनानी है, तो उसको हम करने के लिए एक प्लेन अलग से जूम करेंगे, उस प्लेन पे हम लोग प्रोजेक्शन को भी ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा अतिरिक्त उपचार का तल, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन फॉर एडिशनल ट्रीटमेंट। ये क्या होती है, जी प्रकार की रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। कॉमा ये रेखाएं अक्ष तथा केंद्र मतलब सेंटर लाइन और एक्सिस लाइन के समान होती हैं तथा ये केंद्र रेखा और अक्ष रेखा से 0.3 mm के स्थान पर 0.8 mm मोटी बनाई जाती है। इनकी थिकनेस कितनी रखते हैं, 0.8 mm रखते हैं। इन रेखाओं के द्वारा किसी भी सतह पर कोई विशिष्ट संक्रिया या अतिरिक्त उपचार जैसे क्रोमिंग मिलिंग अपघर्षण आदि करना हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट करना हो, जैसे कोई भी क्रोमिंग मतलब क्रोमियम की कोटिंग करनी हो, मिलिंग मतलब मिलिंग कटर के थ्रू वहां का मटेरियल कट करके हटाना हो या रिमूव करना हो, कॉमा अपघर्षण मतलब एब्रेसिव एक्शन अपघर्षी पहिया जिसे हम बोलते हैं एब्रेसिव व्हील के थ्रू मटेरियल को हटाना हो, रिमूव करना हो या सरफेस को फिनिश करना हो, तो उन प्रोसेस को अगर हमें दिखाना है माय डियर तो हम क्या करेंगे, अतिरिक्त उपचार के तल को सेलेक्ट करेंगे जिसे सेलेक्ट करने के लिए हम इस प्लेन का या इस लाइन का यूज करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ अवरोधक रेखा जिसे बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, कॉमा लॉन्ग ब्रेक लाइन हमारी क्या होती है, ये एक एच प्रकार की लाइन होती है तथा इन रेखाओं देख ये आपको एग्जाम में आएगा तो आप इतने पॉइंट आप केवल लिख दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए ये हो गया हमारा दीर्घ अवरोधक रेखा मतलब जिसे बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये क्या होती है, ये रेखाएं एच प्रकार की होती हैं, कॉमा इन रेखाओं को जब कोई वस्तु अधिक दूरी तक तोड़ी जाती है तो वहां पर इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये रेखाएं पतली तथा बीच बीच में मुक्त हस्त जिग जैग जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से कोई भी जैसे डायग्राम हमने बनाया तो अब जिग जैग टाइप के कोई लॉन्ग ऑब्जेक्ट जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां से लेकर यहां तक कट किया या दो पार्ट में अलग कर लिया तो उसे हम जिग जैग तरीके से एक लाइन के माध्यम से दिखा सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन। कॉमा परिच्छेदन रेखा या इसी को बोलते हैं सेक्शन लाइन या हैची लाइन। कोई भी पार्ट को ठोस दिखाने के लिए या कटा हुआ दिखाने के लिए हम लोग सेक्शन लाइन का यूज करते हैं। कैसे, ये मैंने आपको बताया भी था कि अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है अभी ये हमें नहीं पता है कि ये सॉलिड है कि हॉलो है, तो जैसे माय डियर इस पे हमने एक रेखा इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, अब ये पता चलने लगा कि ये ऑब्जेक्ट इस साइड से ठोस है, इस साइड से ठोस है या इस पार्ट को काट कर कहीं से अलग कर दिया गया है, या तो ठोस दिखाने के लिए या कटा हुआ दिखाने के लिए, तो इन्हीं लाइन को हम लोग किससे ड्रॉ करते हैं, थिन या पतली रेखा द्वारा ड्रॉ करते हैं। इनका जो कोण होता है एक बार फिर से आपको बता दें, स्टैंडर्ड 55 डिग्री रखते हैं और जनरली कितना रखते हैं, 30 से 60 डिग्री रखते हैं। कॉमा जो रेखाओं के बीच में गैप होता है 1 mm से 2 mm, 1 mm टू 2 mm या 3 mm भी रखते हैं, तो इस तरीके से इस रेखा को हम लोग कहते हैं माय डियर परिच्छेद रेखा या छेदक रेखा या हैचिंग लाइन या सेक्शन लाइन। देखिए ये रेखाएं बी प्रकार की रेखाओं या लाइनों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं।
कॉमा ये रेखाएं बारीक लगातार तथा परस्पर बराबर दूरी लगभग 1 mm से 1.5 mm पर क्षैतिज, मतलब इनके बीच जो गैप हम लोग रखेंगे 1 mm से 1.5 mm या 1 mm से 2 mm या 1 mm से 3 mm रेखाओं के बीच में गैप रखेंगे और ये लगातार हमेशा कैसी बनेंगी, समांतर बनेंगी, पैरेलल रेखाएं बनेंगी, हैचिंग लाइन कभी भी जिगजैग नहीं बनेंगी, इंक्लाइन नहीं बनेगी, इंक्लाइन तो रहेंगे लेकिन सभी इंक्लाइन रेखाएं पैरेलल ही जाएंगी, एक दूसरे के समांतर ही जाएंगी। एंगल स्टैंडर्ड 45 लेते हैं और जनरली 30 से 60 डिग्री के कोण पर इसको हम लोग खींचते हैं, लेकिन 45 डिग्री का कोण हमारा क्या होता है माइडियर, अधिक उचित माना जाता है ना। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, परिच्छेद रेखा या छेदक रेखा या सेक्शन लाइन के लिए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं समतल काट या कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन अभी हमने आपको डिस्कस किया कि कटिंग प्लेन लाइन क्या होती है, ये लाइन हमारी क्या होती है, इसे एफ ग्रेड की रेखाओं के बीच में रखते हैं। जैसे कोई प्लेन हमने यहां से कट कर दिया है, कट करने के बाद इसके बारे में अगर डिस्कशन करना है कॉमा, इसे तो एफ की प्रकार की रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ये रेखाएं किसी वस्तु के काटने वाले तल को प्रदर्शित करती हैं तथा ये रेखा केंद्र रेखा के समान होती है किंतु इसके दोनों सिरे मोटे बनाए जाते हैं, जो स्टार्टिंग हेड और एंडिंग हेड होते हैं उसे थोड़ा सा थिक लाइन का बनाया जाता है। एक्चुअल में ये कैसे दिखती हैं, सेंटर लाइन की तरह ही दिखती हैं, जिसे हम बोलते हैं केंद्र रेखा, उसी की तरह दिखती हैं, बट स्टार्टिंग और एंडिंग में इनके हेड थोड़े से चौड़े होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं। वीमा रेखा, हमने आपको बताया था कि वीमा रेखा हमारी क्या होती है, डायमेंशन लाइन और सूचक या इंडिकेटर लाइंस। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये डायग्राम हमने बनाया, अब इसकी डायमेंशनिंग करना है कॉमा, इसकी हाइट दिखानी है कॉमा, इसकी ये विड्थ दिखानी है, तो ये सारी रेखाओं को हम लोग बोलते हैं माय डियर वीमा रेखा, जिसे बी प्रकार की रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं कॉमा, इसके द्वारा वस्तु की माप प्रदर्शित की जाती है, मतलब इसका मेजरमेंट इट मीन्स साइज प्रदर्शित किया जाता है कॉमा, किसी भी वस्तु की माप जब प्रदर्शित करते हैं तो पहले प्रसरण रेखा जो कि मुख्य रेखा से 1 mm की दूरी पर खींची जाती है, जिससे मुख्य रेखा और प्रसरण रेखा को अलग किया जा सके, इनके बीच जो गैप है वो मिनिमम 1 mm और आइडियल मतलब अप्रोक्स 5 mm टू 10 mm रखते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्सटेंशन लाइन। तो ये था माय डियर आज का लेक्चर, हमारा कंप्लीट लेक्चर किसके बारे में, रेखाओं के बारे में, कि रेखाएं कितने टाइप की होती हैं और उनका यूज क्या होता है, उनकी थिकनेस क्या होती है, उनके शेप कैसे दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो माय डियर, अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आप हम ड्राइंग में ये सारे ऑब्जेक्ट लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने पहले भी एक बार दिखाया हुआ था, एक बार फिर से दिखा दें। बहुत सारे ये 3D ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप में आपको दिखा दिखा कर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे, जिससे ये सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जिससे क्या करेंगे माय डियर कि आप ये समझ पाएंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसा एक्चुअल में दिखाई देता है और इसे हम लोग 3D या 2D में घुमाकर कैसे पढ़ते हैं। जब वो चैप्टर हमारा आएगा तो वहां पर इसका बहुत बहुत ही ज्यादा यूज हम लोग करने वाले हैं। तो आई होप माय डियर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर हमारा आपको समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को माय डियर अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचाइए, ताकि वो भी इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, क्योंकि ये चैनल केवल यूपी पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल कोई भी ब्रांच हो, उनके लिए सारे सब्जेक्ट इसमें अपलोड किए जा रहे हैं, लेक्चर्स हमारे लाइव भी लिए जा रहे हैं। तो चलिए माय डियर, अब हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेटर राइटिंग या अक्षर मुद्रण के बारे में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा चलेगा माय डियर, वो हमारा क्या चलेगा,
अक्षर मुद्रण या लेटर राइटिंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर।